बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर ना होगी, सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार, हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो, बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो, बात तो चुभेगी। उम्मीदों की संकरी गलियों से चुनावी रथ को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाना इस वक्त यूपी के हर सियासी दल के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसा करने में भाजपा से लेकर सपा सहित तमाम दलों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। दूसरे चरण को लेकर रोड शो का सिलसिला लगातार जारी है। कोविड संकट के धीरे धीरे उभरने की तरफ बढ़ रहे इस दौर में अब चुनाव का रंग चटक हो चला है। आला नेता अलग अलग शहरों की सड़कों पर जनता के बीच सीधे पहुंच रहे हैं। बड़ी जनसभा के साथ ही रोड शो वो जरिया है जिसके जरिए जमीनी स्तर पर हर दल की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं के जोश को आसमान पर पहुंचाने की है। पश्चिमी यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे दौर का मतदान होना है, यानी प्रचार खत्म होने में अब गिनती के घंटे बाकी हैं, इसलिए प्रचार युद्ध का शोर तेज है। एक तरफ दूसरे चरण का महामुकाबला है तो दूसरी तरफ अभी अवध से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में आर पार की जंग होना बाकी है। अभी यूपी में 7 दौर की वोटिंग होनी है, यानी प्रचार की तूफानी आंधी अभी और तेज होगी। इस बीच आज पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन यूपी की रणभूमि में थे। उन्होंने कासगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसके मंच से प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला किया। सीएम योगी ने भी सपा पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने रामपुर की रणभूमि से पलटवार किया। इसके तेवर बेहद तीखे थे। आज आपको मैं इस चुभने वाली सियासी बयानबाजी के पीछे की रणनीति समझाऊंगा और करूंगा दूसरे दौर के चुनावी महासंग्राम का पूर्ण विश्लेषण। साथ ही उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान से पहले की चुनावी बिसात की हर खास बात भी आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कासगंज की रैली ने यूपी के चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। पश्चिमी यूपी के मैदान में जिस तरह पीएम ने 2 दिनों में दूसरी जनसभा की, उससे साफ है कि पश्चिम के किले को दोबारा जीतने के लिए भाजपा ने किस कदर पूरी ताकत झोंक दी है। बरेली में सीएम योगी के रोड शो के जरिए भाजपा की ताकत का एहसास कराया तो सपा भी पीछे नहीं रही। अखिलेश यादव पूरे दिन रामपुर जिले में प्रचार करते रहे, लेकिन इसमें उनकी चुभने वाली बातों का अंदाज ऐसा था जिसका वास्ता आसपास के उन तमाम जिलों से था जहां दूसरे और तीसरे दौर में वोटिंग हुई। भारत माता की, भारत माता की। एक हाथ में विकास की छड़ी है, दूसरे हाथ में माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का लीवर है। भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का चुनाव है। उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नई सोच के खिलाफ है। अगले चुनावी चक्रव्यूह में पहले चक्रव्यूह पर संग्राम। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम
लहरा रहा और कल से कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। वैसे तो परिणाम 10 मार्च को आएगा, रिजल्ट 10 मार्च को आना है, लेकिन पहले चरण के चुनाव ने 10 फरवरी को ही परिणाम दिखा दिया है कि आने वाले समय में को मालूम है ना जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के आउट आउट आउट, और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। नए दौर की जंग पर सबसे तीखा तंज, अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। भाजपा को अखिलेश का वोट वाला खुला चैलेंज, और जिस तरीके से छठ में कोई जगह नहीं बची है उसी तरीके से एक वोट नहीं बचेगा जो साइकिल पर न जाए। अखिलेश पर पीएम मोदी का ईवीएम वाला हमला, उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गन्ना से लेकर जिन्ना तक संग्राम, मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं, मैं गन्ना की बात करता हूं तो लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। प्रचार के मैदान में शाह का आंकड़ों वाला दम, हत्या में 31% कटौती, कमल छाप सरकार ने करी, अपहरण में 29% की कटौती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आजम, अतीक, मुख्तार के नाम पर आर पार की जंग, अरे तीन बड़े नाम थे, एक था आजम खान, दूसरे थे अतीक अहमद और तीसरे थे मुख्तार अंसारी, कहां है। पश्चिम के दरवाजे पर प्रचार क्रांति, 6 दौर बाकी महायुद्ध की झांकी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यूपी के चुनावी माहौल को देखकर इस वक्त साफ लग रहा है कि लड़ाई हर मिनट में बड़े युद्ध में तब्दील होती जा रही है। सियासी हमले की चुभन ऐसी है कि विरोधी फौरन तिलमिला जा रहे हैं। कासगंज से पीएम मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के लिए के किले बंदी पर हमले के लिए कानून व्यवस्था से लेकर अयोध्या तक के मुद्दे उठाए और यह साफ इशारा कर दिया कि भाजपा को पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल करने से कम कुछ मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर सपा के एतराज पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ईवीएम को दोष अब जनता आपको स्वीकार करने को तैयार है। पश्चिमी यूपी में प्रचार की तूफानी आंधी चल रही है। हर वो चुभने वाले हमले किए जा रहे हैं जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मचाई जा सके और अपने समर्थकों का जोश आसमान पर पहुंचाया जा सके। जरा कासगंज में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की ये तस्वीरें देखिए। मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है।
पीएम मोदी ने दो दिन के भीतर पश्चिमी यूपी में दूसरी बार जनसभा को संबोधित किया। सहारनपुर के ठीक बाद वे कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में थे। यहां उन्होंने सीधे सीधे सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ईवीएम का मुद्दा फिर उठने लगा है, मतलब साफ है। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है, अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। सहारनपुर में दूसरे दौर में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है तो कासगंज में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के महासमर के मैदान में सीधे सीधे उतरने के लिए कासगंज को चुना तो इसके पीछे बड़ी वजह सपा के मैनपुरी, एटा, इटावा के घर से ठीक सटा ये वो इलाका है जहां भाजपा की जमीन मजबूत है और पार्टी आसपास के तमाम जिलों में मजबूती से पैर पसार रही है। दूसरी बड़ी वजह इसका दूसरे चरण के वोटिंग वाले जिले से सटा होना भी है, जिससे दूसरे और तीसरे चरण के हर विधानसभा क्षेत्र तक उनकी जनसभा का असर हो। पीएम मोदी ने यहां बार बार दोहराया कि अब समाज जातियों में नहीं बंटने वाला। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है। पीएम मोदी की कासगंज सभा में सीएम योगी भी विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये वो इलाका है जहां सपा के राज में अपराधियों का खौफ हर जगह था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। जिस क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले एटा, कासगंज, हाथरस, फरुखाबाद, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में जो सरकार 5 साल पहले थी उनसे जुड़े हुए गुंडे अपहरण करके इसी क्षेत्र में लेकर के आते थे और फिरौती के बाद फिर यहाँ पर निर्दोष व्यापारी और नागरिकों की हत्याएं करते थे। आज इसी क्षेत्र में आपराधिक आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर की स्थापना भी यहाँ पर हो गई है। कासगंज के मैदान में सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो काशी से लेकर मथुरा और आसपास के धार्मिक महत्व के क्षेत्र के विकास का बार बार जिक्र किया। आज आस्था का भी सम्मान करने का कार्य हो रहा है, सोरों को तीर्थ स्थल के रूप में विकास करने का कार्य हो, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों के विकास का हो, अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम के रूप में देश और दुनिया को एक भव्य धाम कैसे बना करके दिया जाना चाहिए, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। सीएम योगी ने शाम को बरेली में रोड शो के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। बरेली में दूसरे दौर में मतदान होना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको ये बता दें कि दूसरे दौर में जिन 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है उन पर 2017 में क्या नतीजे थे। जी हाँ, अब हम दूसरे दौर पर बढ़ चले। दूसरे दौर की स्थिति को समझिए और देखिए
55 सीटों का संग्राम है। दूसरे दौर में भारतीय जनता पार्टी को 2017 में इन 55 में से 38 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी उस वक्त भी इस इलाके में 15 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, बसपा कोई भी सीट इस इलाके में नहीं जीत पाई थी 2017 में। दूसरे दौर के चुनाव में हर सीट के लिहाज से हर दल ने अपनी रणनीति तय की है। उम्मीदवारों को चुनने से ही इसकी शुरुआत हो गई। अब जरा भाजपा के टिकट बंटवारे वाले जातीय समीकरण को समझिए। पार्टी के 55 उम्मीदवारों का गणित अब मैं आपको समझाता हूं। 23 ओबीसी उम्मीदवार इन 55 सीटों में उतारे भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा 20 सवर्ण, 10 दलित और 1 मुस्लिम प्रत्याशी है। ये अपना दल के टिकट पर है। रामपुर की स्वार सीट से हमजा मियां यानी नवाबपुर के जो नवाब है उनके खानदान से ये आते हैं और ये अपना दल से इनको टिकट मिला है। और 1 टिकट सिख समुदाय से दिया है बलदेव सिंह औलख, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सपा की बात करें तो सपा ने ओबीसी और मुस्लिम उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा दाव लगाया है। सपा गठबंधन के स्पेशल 55 को अब जानिए। 20 ओबीसी, 20 मुस्लिम प्रत्याशी। अब सोचिए बीजेपी एनडीए गठबंधन से 1 मुस्लिम प्रत्याशी, सपा ने 20, दलित 9, सवर्ण 5 प्रत्याशी, इसके अलावा 1 सिख प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने भी उतारा है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने अपने समीकरण तय कर सबको चौंका दिया है। बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। जी हां, बसपा गठबंधन के 55 प्रत्याशियों को जानिए। 23 मुस्लिम प्रत्याशी, सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने इस चरण में उतारे हैं। इसके अलावा 14 ओबीसी, 11 दलित, 7 सवर्ण और सिख कोई नहीं उतारा है बसपा ने इस चरण के चुनाव के लिए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बसपा की रणनीति से पार्टी की चुनावी प्लान काफी हद तक मिलता जुलता नजर आ रहा है। इसको समझिए, इसको देखिए। कांग्रेस ने 55 सीटों में जहां पर मतदान होना है 20 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, बसपा ने 23 उतारे थे। 14 सवर्ण उतारे हैं, 10 दलित प्रत्याशी उतारे हैं, 8 ओबीसी प्रत्याशी उतारे हैं और 2 सिख प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है कांग्रेस ने इन 55 सीटों में से जहां पर 14 तारीख को मतदान होगा। आपको दूसरे दौर के कांटे की टक्कर की हर खास बात बताएंगे। उससे पहले सबसे बड़ी रणभूमि रामपुर की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने आज रामपुर में जमकर पसीना बहाया। उन्होंने हर जगह आजम खान का जिक्र किया, हर जगह आजम के साथ मुलायम सिंह यादव की दोस्ती की चर्चा की और बार बार कहा कि अब विरासत में मिली इस दोस्ती को वो अब्दुल्ला के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा नई सोच के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए पश्चिम में डूब गया है। रामपुर की जमीन पर जब अखिलेश के कदम पड़े तो उनके साथ साथ अब्दुल्ला आजम भी थे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद आजम खान इस बार जेल से रामपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां के मुकाबले को इस बार अखिलेश यादव ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। अखिलेश यादव ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर में अपनी समाजवादी विजय यात्रा का कारवां आगे बढ़ाया तो उनके साथ सपा के समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पार्टी के संस्थापकों में एक आजम खान का यहां बड़ा असर रहा है। आजम खान पहली बार रामपुर सीट से 1980 में विधायक बने और फिर 9 बार यहां से चुनाव जीता। इससे रामपुर में आजम खान की मजबूत सियासी जमीन का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई मुकदमों में 2 साल से जेल में बंद आजम की जीत के लिए अखिलेश यादव ने यहां लंबा रोड शो किया और भाजपा सरकार पर नाइंसाफी के आरोप दोहराए। हमारे आपके सबके नेता रे अलंकार साहब नहीं है, लेकिन उनके ना रहने के बावजूद भी आपका जोश भरोसा दिला रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत
कहीं होने जा रही है तो रामपुर में होने जा रही है। रामपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से रामपुर सदर, स्वार टांडा और चमरौवा सीट पर सपा का कब्जा है, जबकि बिलासपुर और मिलक सीट पर भाजपा का। लेकिन इस बार सपा ने चारों सीटों पर भाजपा को शिकस्त देने का बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए खुद आजम खान को मैदान में उतारा है। पिछली बार भी आजम इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन बाद में सांसद चुने जाने के बाद यहां से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा उपचुनाव में विधायक बनी। इस बार तंजीन चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं पिछली बार जिले की स्वार टांडा सीट से विधायक चुने गए आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम एक बार फिर इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। उस इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल हमारी और आपकी तालीम के लिए, हमारी तरक्की के लिए गुजार दिए, वो आज आठ बयार की कोठरी में बंद है। वो इंतजार कर रहा है रामपुर वालों के फैसले का, वो इंतजार कर रहा है रामपुर वालों के फैसले का, वो इंतजार कर रहा है कि जब रामपुर में हुए हर जुल्म और ज़ाती का हिसाब लिया जाए नौजवानों को। इसी चौराहे पर तड़ा तड़ा कर पीटा गया, जेल भेजा गया, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और रामपुर ने वो दौर देखा जब एक वालिद एक पिता अपने ही बेटे की मौत को मुजरिम बना दिया। पिछली बार रामपुर की स्वार टांडा सीट से जीते अब्दुल्ला पर हाईकोर्ट की गाजगिरी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलत बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप में अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। एक बार फिर सपा ने अब्दुल्ला को स्वार टांडा से मैदान में उतारा। अखिलेश यादव के रामपुर के मैदान में प्रचार के लिए उतरने के बाद अब यहां का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। और कभी रामपुर में ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर के लोग नहीं है, ये सब अपने लोग हैं। और जो रिश्ता समाजवादी पार्टी से नेताजी का रही आजम खान साहब का रहा है, वो ऐसा रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है। और जो रिश्ता विरासत में मिला है, वही रिश्ता हमारा और अब्दुल्ला जी का रहेगा हमेशा। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान की हैसियत नंबर 2 मंत्री की रही और इस दौरान उन्हें चुनौती देने वाला रामपुर में कोई नहीं था। लेकिन 2017 में सपा की सरकार की विदाई और योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद आजम के सियासी गर्दिश के दिनों की शुरुआत हुई। अब समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि 2022 के चुनावी नतीजे तस्वीर बदल देंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव, रामपुर की तमाम जो 5 सीटें हैं रामपुर जिले में विधानसभा की, उन सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से दल बदल का सिलसिला भी चला रामपुर में, कैसे क्या हुआ ये आपको जल्दी से दिखाते हैं कुछ ग्राफिक के जरिए। हैदर अली खान, जिनको हमजा मियां कहा जाता है, स्वार टांडा से प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किया गया था इनको, लेकिन ऐन वक्त पर अपना दल एस में शामिल हुए। रामपुर के नवाब परिवार की तीसरी पीढ़ी है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां। इसके अलावा नरेश सैनी की अगर बात करें, दूसरे दौर में हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने टिकट बदलाया, सीट बदली, बेहट, सहारनपुर की बेहट सीट की अगर बात करें, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर ये जीते थे नरेश सैनी, चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए नरेश सैनी और भाजपा ने इस सीट से प्रत्याशी बनाया है नरेश सैनी को, सहारनपुर की बेहट सीट से। तो ये उन लोगों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बदल दी, सीट बदल दी या सीट वही मिल गई। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड सीट 2017 में भाजपा के टिकट पर जीते थे नकुड से, योगी सरकार में राज्य मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ी और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा ने इन्हें नकुड सीट से ही प्रत्याशी बनाया है धर्म सिंह सैनी को। इसके अलावा आगे बात करें तो नोमान मसूद की बात हम करेंगे, गंगोह सीट की बात कर रहा हूं सहारनपुर की। इमरान मसूद के भाई हैं, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर गंगोह से लड़े, 2019 में गंगोह उपचुनाव में हारे भी,
बसपा ने गंगोह से प्रत्याशी बनाया इनको। नुमान मसूद की हम बात कर रहे हैं, अब इमरान मसूद की बात भी कर ली जाए। जब सहारनपुर का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस छोड़कर सपा में गए, सपा से टिकट नहीं मिल पाया है, दो बार विधायक बने, पिछले तीन चुनाव हारे, मुस्लिम बेल्ट में अच्छी पहचान रखते हैं इमरान मसूद। आगे बढ़े, सलीम खान अमरोहा से हैं, वोटिंग से तीन दिन पहले कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस ने अमरोहा सीट से प्रत्याशी बनाया था, रामपुर में अखिलेश यादव से हेलीपैड पर मिले और टिकट नहीं मिल सकता है तो जाहिर सी बात है क्योंकि अब टिकट कहां से मिलेगा, और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अमरोहा की हसनपुर सीट की बात करें तो मुखिया गुर्जर चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में गए, सपा ने हसनपुर सीट से प्रत्याशी बनाया, 14 साल पहले भी सपा में ही थे, खुद को मुलायम का शिष्य बताते हैं मुखिया गुर्जर। इसके अलावा सुप्रिया एरन की बात करें, बरेली से आते हैं, बरेली कैंट सीट की अगर बात करें, कांग्रेस ने बरेली कैंट से प्रत्याशी बनाया सुप्रिया एरन को, अब सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व सांसद प्रवीण एरन की पत्नी है, बरेली की सियासत में इनकी भी अच्छी पहचान है, इनके परिवार की अच्छी पहचान है। शाहजहांपुर की तिलहर की बात करें तो रोशन लाल वर्मा 2017 में भाजपा के टिकट पर जीते, चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथी माने जाते हैं, लोध बिरादरी में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये वो तमाम चेहरे थे जिन्होंने ऐन वक्त पर अपनी पार्टियां बदली, दूसरी पार्टियों में गए, दूसरी पार्टी ने इनको टिकट दे दिया। अब बात रामपुर की उन तस्वीरों की जिसने पश्चिमी यूपी के अगले मुकाबले का माहौल गर्मा दिया है। अखिलेश यादव ने आजम खान की सियासी जमीन पर आज सबसे लंबा रोड शो कर किया, ये शो कई घंटों से चल रहा है, अखिलेश इसमें अब्दुल्ला आजम के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव और अब्दुल्ला आजम इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं, जगह जगह पर अखिलेश यादव इसी तरह से अपने चुनावी रथ की छत पर आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और बीच बीच में वो संबोधित भी कर रहे हैं लोगों को जो इस रोड शो में शरीक हो रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामपुर से, और रामपुर से यानी जो स्वार सीट है, अब्दुल्ला आजम जहां से खुद प्रत्याशी हैं वहीं से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रामपुर की तस्वीरें जहां पर अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, और अब्दुल्ला आजम देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं ये जिसमें अब्दुल्ला आजम संबोधित कर रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें बड़े मायने रखती हैं, आप देखिए इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दूसरे दौर के मतदान से पहले क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से दोनों तरफ यानी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले की ये भी तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में थे और ये उनका रोड शो बरेली में चल रहा है, यानी अखिलेश यादव अगर रामपुर में है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में इस रोड शो में, देखिए इस रोड शो में आगे किस तरह से बरेली की तमाम सड़कों से गुजरकर योगी आदित्यनाथ ने जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया, इसमें तमाम समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता भी आपको दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे दौर के मतदान से पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो चुनावी तपिश है उसका अंदाजा उस तपिश को इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। बरेली में सीएम योगी का रोड शो हुआ कुछ देर पहले, तो रामपुर में अखिलेश यादव का रोड शो, रामपुर की स्वार सीट की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं पूरे रामपुर से होते हुए। तो ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी माहौल किस कदर गर्म है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान से पहले, क्योंकि कल दूसरे दौर के मतदान से पहले का जो चुनाव प्रचार है वो कल शाम को 5 बजे थम जाएगा,
ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से पूरा जोर आजमाइश हो रही है। इन तस्वीरों से ये बात साफ होती है। और रामपुर की हम जिक्र कर ही रहे थे, रामपुर में अखिलेश यादव हैं, तो रामपुर शहर में त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां पर किस तरह की मुकाबले की तस्वीर बन रही है आप ये भी जान लीजिए। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, रामपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा काजिम अली खान जो कि नवाब खानदान से, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और आकाश सक्सेना भाजपा के। मैं आपको बता दूं, जो काजिम अली खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका बेटा स्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन से प्रत्याशी है, यानी वो एनडीए से चुनाव लड़ रहा है बेटा, और पिता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर के बिलासपुर के रण की बात भी कर रहे तो बलदेव सिंह औलख भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मंत्री भी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। संजय कपूर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा अमरजीत सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी और सपा ने दोनों सिख प्रत्याशियों को उतारा है, और यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है बिलासपुर की इस सीट पर। सहारनपुर के बेहट के रण की बात भी कर ली जाए, जहां पर नरेश सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खान सपा के प्रत्याशी हैं, और रईस मलिक बसपा के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है। देवबंद सीट की अगर बात करें सहारनपुर की, तो ब्रजेश सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कार्तिकेय राणा सपा के प्रत्याशी, और राहत खलील कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर भी इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चरण के 586 प्रत्याशी मैदान में, जिसमें से 147 प्रत्याशी दागी हैं, जो कुल प्रत्याशियों का 25% है। जी हां, दूसरे चरण के प्रत्याशियों की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कुल 54 प्रत्याशी हैं और 23 प्रत्याशी दागी हैं। अगर प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो 43% का यह आंकड़ा बनता है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा के कुल 52 प्रत्याशी, 35 दागी प्रत्याशी, प्रतिशत 67% बनता है। आगे बढ़े, राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें तो कुल प्रत्याशी 3 हैं, दागी 1 है। अगर प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 33% यह आंकड़ा पहुंचता है। बसपा की अगर बात करें तो कुल प्रत्याशी है 55, दागी प्रत्याशी 20, और प्रतिशत की बात करें तो 36% का यह आंकड़ा बनता है। कांग्रेस की बात करें, कुल प्रत्याशी है 54, दागी है 23, और प्रतिशत के लिहाज से आंकड़ा देखें तो 43% ये आंकड़ा बनता है। तो ये स्थिति हमने आपको बताई, लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको और साफ करूं। देखिए, चुनाव से पहले हर प्रत्याशी हलफनामा देता है, इसके अलावा उसमें उन तमाम मामलों का जिक्र होता है जो उस प्रत्याशी पर चल रहे होते हैं। हालांकि मैं यहां पर एक बात ये भी आपको साफ कर दूं, दागी प्रत्याशी का ये मतलब नहीं कि सबने कोई गंभीर जिसको कहा जाए अपराध किए हों। ज्यादातर कई प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जिन पर धरना देने पर, सरकारी काम में बाधा करने पर मामले दर्ज होते हैं, क्योंकि जब कोई भी राजनेता होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो आंदोलन करता है। अगर उसके सरकार नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार है, तो मामले दर्ज होते हैं। ये रवायत सालों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो आंकड़े थे, जो तथ्य थे, वो हमने सामने रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, किस बड़े नेता पर कितने मुकदमे, कितनी धाराएं, ये भी जान लेना जरूरी है। आजम खान की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामपुर सदर से, कुल केस 87, गंभीर धाराएं 234, ये आंकड़ा देखिए। अब अब्दुल्ला आजम सपा के प्रत्याशी हैं स्वार रामपुर से, कुल केस है 43, गंभीर धाराएं 48, और दोनों का आरोप है कि हम पर राजनीतिक साजिश के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। नसीर अहमद खान सपा प्रत्याशी हैं चमरौआ से, रामपुर की चमरौआ सीट से, कुल केस है 30, गंभीर धारा 111। मुखिया गुर्जर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमरोहा की हसनपुर सीट से, कुल केस है 11, गंभीर धाराएं 2। राम खिलाड़ी सिंह सपा प्रत्याशी हैं संभल की गुन्नौर सीट से, कुल केस 9 है, गंभीर धाराएं 12 है। मुन्ना सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शाहजहांपुर की कटरा सीट से, कुल केस 7 है, गंभीर धाराएं 11 है। एमपी आर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नवाबगंज बरेली की नवाबगंज सीट से, कुल केस 6 है, गंभीर धाराएं 5 है। कार्तिकेय राणा सपा के प्रत्याशी हैं सहारनपुर की देवबंद सीट से, कुल केस 6 है, गंभीर धाराएं 5 है। तो ये स्थिति है। अब दूसरे चरण के करोड़पति प्रत्याशियों के बारे में जान लीजिए, ये बड़ा आंकड़ा दिलचस्प रहता है और इसको समझिए। कुल प्रत्याशी 54 है, करोड़पतियों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो कुल प्रत्याशी 54 और उनमें से 52 करोड़पति हैं, यानी प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो 98% करोड़पति प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं,
समाजवादी पार्टी की बात करें तो 52 प्रत्याशी हैं, 48 करोड़पति हैं, यानी 92% प्रत्याशी का ये प्रतिशत के लिहाज देखें तो ये आंकड़ा बनता है। बसपा 55 है कुल प्रत्याशी, 46 करोड़पति, 84% का ये आंकड़ा बनता है। अब कांग्रेस की भी स्थिति देख लेते हैं। कांग्रेस की बात करें तो 54 प्रत्याशी हैं, 31 करोड़पति है, 57% का ये आंकड़ा बनता है। तो ये आंकड़ों के लिहाज से दिलचस्प चीजें हमने आपको बताई। दूसरे चरण के टॉप करोड़पति प्रत्याशियों के बारे में भी आपको बता दूं। नवाब काजिम अली खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामपुर सदर सीट से, कुल संपत्ति 297 करोड़। सुप्रिया एरन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बरेली कैंट से, कुल संपत्ति 157 करोड़। देवेंद्र नागपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नौगावा सादात से, कुल संपत्ति 141 करोड़। रईस अहमद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बदायूं से, कुल संपत्ति 73 करोड़। मोहम्मद नासिर सपा प्रत्याशी मुरादाबाद ग्रामीण से, कुल संपत्ति 61 करोड़। ये वो टॉप के करोड़पति प्रत्याशियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो यूपी के चुनावी जंग है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के चुनावी संग्राम पर भी पूरे देश की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अल्मोड़ा में भाजपा के लिए चुनावी सभा की। यहां उन्होंने कांग्रेस का पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम के हुंकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, तो वहीं कांग्रेस से लेकर आपके दिग्गज मैदान में भी अपनी अपनी जीत के लिए तूफानी प्रचार में जुटे। मोदी, नरेंद्र मोदी, अरे कौन आया कौन आया। पहाड़ पर कमल खिलाने का ब्रह्म कमल प्लान हमारे यहाँ, देखिए यहाँ कमल है, यहाँ कमल है और यहाँ ब्रह्म कमल है। पीएम मोदी की पहाड़ प्रेम कहानी। मैं यहाँ के हर इलाके से परिचित, इस भूमि के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, ये आप सब जानते हैं। आपकी ताकत को मैं जानता हूँ, आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूं, आपकी नेक नीयत को जानता हूं, आपके भीतर रगों में जो ईमानदारी है ना, देशभक्ति है ना, उसको मैं भली भांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी नजर यूपी चुनाव पर है, उतनी ही उत्तराखंड पर भी। यूपी के दूसरे चरण के साथ ही उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। पीएम मोदी अल्मोड़ा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो फिर पुराने अंदाज में समा बांध दिया। डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए और विरोधियों पर चुभने वाले हमले भी किए। जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है और भाजपा के लिए चुनौती इस वजह से बड़ी है क्योंकि 5 साल में भाजपा ने देवभूमि को 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए। हालांकि पीएम दावा करते हैं कि पूरे 5 साल भाजपा की सरकार ने ईमानदारी और बिना भेदभाव के काम किया। डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है, उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ। पहाड़ के रण में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, भाजपा के दिग्गज नेता देवभूमि का दिल जीतने निकल पड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार के लिए देवभूमि में थे। उन्होंने टिहरी और कर्णप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। पुष्कर सिंह धामी भी नैनीताल में तूफानी प्रचार करते नजर आए। हालांकि हल्द्वानी में शिवराज सिंह चौहान, रामनगर में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हुंकार भर रहे थे। कांग्रेस भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही। हार्दिक पटेल ने काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से विनोद कुमार के साथ निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठिया हमारे साथ मौजूद है। अजीत, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कल का दिन यानी प्रचार के लिए आखिरी दिन है और
पूरी ताकत झोंक दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज प्रधानमंत्री का लगातार अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे, किस तरह से देखा जाए इस आखिरी दौर की जंग को? रोहित, देखिए कल भी प्रधानमंत्री रुद्रपुर में, आज अल्मोड़ा में थे और एक दिन पहले श्रीनगर में थे। तो प्रधानमंत्री का 3 दिन तक उत्तराखंड में हर दिन रैली करना और चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त तक अपनी रैलियों को अंजाम देना, ये एक बड़ी बात है और एक ये बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी कार्ययोजना है उसकी तरफ इशारा कर रही है। कल अमित शाह हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार के साथ साथ उनका अचानक एक प्रोग्राम बन जाता है कि वो देहरादून भी आएंगे और उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर के विधायक हैं उनके लिए भी प्रचार करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ रुड़की में आ रहे हैं और रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल, और हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता कल यहां पर जुटेंगे, तो उत्तराखंड में कल वीआईपी मोमेंट का एकदम पैक हो रखा है। प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता यहाँ उत्तराखंड में हैं और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जनसभाएं हो रही है। कल 5 बजे प्रचार रुक जाएगा। और रोहित, मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कतई इस राज्य को इस बार खोना नहीं चाहते और वो इस विथक को भी तोड़ना चाहते हैं कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है। जी, प्रधानमंत्री ने इतने छोटे राज्य को लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से दी है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हो, चाहे हाईवेज हो, वो तमाम इतनी बड़ी योजनाएं यहाँ पर देहरादून को और पूरे उत्तराखंड को दी है, पर्यटन के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, इंफ्रा के लिहाज से। तो किसी भी कीमत पर वो इस बात को खोना नहीं चाहते, इस अवसर को खोना नहीं चाहते कि इस बार कांग्रेस को किसी भी तरह का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा में आज तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया है जिनको लेकर कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने तमाम तरह के जो विभाजनकारी नीतियां का आरोप लगाया है कि कांग्रेस विभाजनकारी नीति अपना रही, कहीं मैदान की बात करती है, कहीं पहाड़ की बात करती है, कहीं तराई की बात करती है। तो उन्होंने आज बहुत ही कायदे से अटैक किया है, बहुत आक्रामक थे। कल श्रीनगर की जो रैली थी उससे कहीं ज्यादा आक्रामक थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी पॉलिटिशियन की जनसभा में बहुत भीड़ उमड़ती है तो पॉलिटिशियन के भीतर ऊर्जा वैसे ही आ जाती है, तो आज उस तरह का भी एक अंदाज देखने को मिला। भीड़ एकदम अद्भुत भीड़ थी वहां पर। जी बिल्कुल, और देखिए परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है सियासत में, लेकिन कांग्रेस की बात करें अजीत, तो कांग्रेस का जो अंतिम दौर का ये प्रचार अभियान है वो किस तरह से चल रहा है और उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए इनकी रोहित, कांग्रेस की राहुल गांधी तो यहाँ पहले ही आ चुके हैं और अभी एक दो दिन पहले भी उनकी जो भी अपनी जनसंपर्क सभाएं थी, लेकिन प्रियंका गांधी को आम तौर पर आम कांग्रेसी आम कार्यकर्ता एक स्टार प्रचारक के रूप में लेकर के चलता है। और प्रियंका गांधी कल हरिद्वार में आ रही हैं, हरिद्वार जिले में वो जनसंपर्क करेंगी और वो एक मैसेज देने का काम करेंगी। और जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली और दूसरे राज्यों से आकर यहाँ प्रचार प्रसार को धार देने में जुटे हैं, तो उनकी काट के लिए प्रियंका गांधी के पास क्या होगा? कांग्रेस कार्यकर्ता इसी का इंतजार कर रहा है कि प्रियंका आखिर क्या, किस तरह का यहाँ पर एक मैसेज देकर जाना चाहती है जिससे कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा एक्टिव करके सरकार को लाने का एक प्रयास किया जाए। उधर हरीश रावत लगातार कुमाऊं में लगे हुए हैं, वो लगातार अपने साथियों की सीट पर, अपनी सीटों पर एक मुस्तैदी के साथ मजबूती प्रदान करने के लिए और एक सरकार को एक बहुमत के आसपास ले जाकर एक सत्तासीन करने का कांग्रेस का उनका ख्वाब जो है वो, चूंकि हरीश रावत भी अंतिम पारी खेल रहे हैं इस बार अपने राजनीतिक कैरियर की, तो उनके लिए भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण ये एक चुनाव होने जा रहा है। तो इसी के लिहाज से कल एकदम पूरे पीक पर यह चुनाव होगा, पूरा चरम पर यह चुनाव होगा कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने कल तमाम स्टार प्रचारकों को यहां पर उतार दिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया और तमाम बड़े लोग और उनकी पूरी मंत्रिमंडल की जो फौज है वो उनमें से आधे लोग यहां आधे पंजाब में घूम रहे हैं। तो यहां उन्होंने भी आज अपना एक वचनबद्ध के नाम से, वचन पत्र के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया है। तो यहां कल का एक सीन देखने वाला होगा, जब 5 बजे जब घड़ी 5 बजाएगी उससे पहले किस तरह का यहाँ रोमांच पर होगा यहाँ का प्रचार, ये एक देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल अजीत, और कल दिन भर, मैं दर्शकों को बता दूं कि आप पूरे उत्तराखंड से दिन भर रणभूमि लाइव हम लोग दिखाने वाले हैं कल सुबह से, कि किस तरह से पूरे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। और ये खास कवरेज एबीपी गंगा पर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए अजीत, और बात तो चुभेगी। मैं आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।